ये भी आ गई, आ गए। आदाब पंडित रामा कृष्णा। प्रणाम मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। देख क्या रहा है? चल पैर दबा। पैर क्यों दबा? अरे अभी इन्होंने तो कहा कि आदाब। हमेश्वरी, इन्होंने अपनी भाषा में मुझे प्रणाम कहा। प्रणाम कि प्रणाम। आप तो घर पर थी नहीं, सोचा अम्मा और शारदा से थोड़ा बातचीत कर ले। इन्हें विजयनगर में आए 2 दिवस हो गए हैं और तूने इन्हें 1 दिवस भी घर पर नहीं बुलाया। अब देखो देखो, शिकायत तो हमें भी है पंडित रामा कृष्णा। सभी दरबारियों ने, यहाँ तक के खुद महाराज ने हमें घर पर आने का न्योता दिया, तो तुमने हमको नहीं बुलाई। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, मैं आपके दिए हुए कार्यों में ही इतना व्यस्त था, न्योता कैसे देता। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? हम यहाँ से गुजर रही थी अकलमंद के साथ, तो अकलमंद अचानक आपके घर के सामने रुक गई। कदा कहीं का। हम सोची इस घर में जरूर कोई अकलमंद का जानकार होगा, तभी तो यहाँ रुकी है कि जानने के लिए मंदिर आई, तो देखा आपका घर है। एक बात पूछेगी, आप अकलमंद को कैसे जानती? मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, बहुत लंबी कहानी है, पूछिए मत। चलिए कोई बात नहीं, हम ये पूछ लेते हैं, हमारी पहेली का जवाब सूझा कि नहीं? आपको कल तक त्रिदेव के दर्शन कराने हैं, नहीं कराई तो? महाराज आप दैनिक पे चिंता ना कीजिए, हम पंडित रामा कृष्णा के लिए बुद्धिवर्धक पेड़ी का हलवा तैयार करते हैं, जिसे खाते ही ना पंडित रामा कृष्णा के बुद्धि के द्वार खुल जाएंगे और त्रिदेव से मिलने की हमारी वर्षों की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। तो महाराज बताइए, वो शक्तिवर्धक हलवा हम आपके लिए भी बनाए? मुल्ला नसरुद्दीन महोदय ने चुनौती तो पंडित रामकृष्ण को दी है, हमें नहीं, तो उन्हीं के लिए बनाइए आप। जी महाराज, हमें आज्ञा दें। जाइए। चलिए। महाराज, महारानी चिन्ना देवी, हमें पंडित रामकृष्ण पर पूर्ण विश्वास है, वो इस चुनौती का हल ढूंढ ही निकालेंगे। परंतु महाराज, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश से भेंट करना ये तो असंभव है। ज्ञात है हमें, बस अब तो एक ही मार्ग शेष रह गया है। वो क्या महाराज? महारानी चिन्ना देवी, कल मुल्ला नसरुद्दीन महोदय को भी एक चुनौती पूर्ण करनी है, बस प्रार्थना कीजिए तो इस चुनौती को पूर्ण करने में सफल रहे। आपकी चोटी है बड़ी प्यारी। धन्यवाद। सुनिए, जिस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन महोदय ने अपनी तलवार का नाम अजीज रखा है ना, उसी प्रकार अपनी चोटी का भी कुछ नाम रख लीजिए ना। शारदा, बापू की चोटी का नाम बंधु है। नहीं मोहतरमा, ये ठीक नहीं होगा, नाम रखने से एक निजी जाति रिश्ता कायम हो जाती है। हम नहीं चाहती कि पंडित रामा कृष्णा का किसी ऐसी चीज से निजी रिश्ता हो जो उसे बिछड़ने वाली हो। ए बंधु! रामा सावधान, इनकी नियत में खोट है, ये मेरा अंत करने यहाँ आए हैं। तुम तो सत्य कह रहे हैं बंधु। आप कुछ बोली पंडित रामा कृष्णा? ना ना ना, कुछ भी नहीं। फिर दावत का इंतजाम नहीं करेगी? आपके घर पे मेहमान जो आई है, भूखी मेहमान। चल कर। अरे मैं क्या करूं, दावत अर्थात भोजन का प्रबंध तुम दोनों करो। तू कर।
हम करते हैं, हम करते हैं। दीजिए। छोटी महारानी, इस प्रकार की मूछों का राजस्थान प्रदेश के राजाओं में बड़ा प्रचलन है। महाराज के चेहरे पे ये बड़ी आकर्षक लगेंगी। नहीं, यह अपेक्षाकृत बड़ी है, महाराज के मुख पे उचित नहीं लगेंगी। माननीय सम्माननीय महारानी तिरुमलम्बा जी, महारानी चिन्ना देवी जी, हमें क्षमा कर दीजिए, कृपया हमें जाने दीजिए। महाराज किसी भी क्षण आते होंगे, यदि महाराज ने हमें इस हालत में देख लिया तो मनी, अब देखना महाराज आएंगे ना तो उसे बहुत बड़ा दंड देंगे। दंड क्या, मृत्यु दंड दे देंगे मुंडे को। हम जाते हैं। नहीं नहीं गुरुवर, आप कृपया यहीं रुक जाइए और महाराज के लिए मूछों का चयन करने में हमारी सहायता कीजिए। कनिष्क गुंडी जी, आपके पास तो विभिन्न प्रकार की मूछें हैं ना, हमें कुछ और मूछें दिखाइए। महारानी जी, ये वाली देखिए। गुरुवर, महोदय, इन मूछों के नोके ऊपर की ओर क्यों हैं? रानी चिन्ना देवी जी, मूछों का ऊपर होना दर्शाता है कि इन मूछों को धारण करने वाला व्यक्ति जीवन में सदा ऊपर की ओर ही अग्रसर रहेगा। फिर तो हमें महाराज के लिए यही मूछें लेनी चाहिए। जी, अब हम यहाँ से निकल जाते हैं। जी। महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमल, अरे गुरुवर, प्रणाम महाराज, प्रणाम, प्रणाम गुरुवर। ये गुरुवर इस प्रकार। प्रणाम महाराज। प्रणाम आप। महाराज, ये कनिष्क गुंटी जी हैं, हमने विशेष रूप से इन्हें आपके लिए बुलाया है। हमारे लिए? जी। हमारे लिए क्यों? हमने ना आपके लिए कुछ लिया है। क्या लिया? महाराज, हम ऐसे नहीं बताएंगे। तो कैसे बताएंगी आप? महाराज, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना दाहिना हाथ आगे लीजिए। अति आवश्यक है? जी। जी, लीजिए। महाराज, अब आप अपनी आंखें खोलिए। शारदा, भोजन तैयार हुआ या नहीं? मैं ज्ञात करके आता हूँ। हाँ, अरे अरे अरे, रुकिए तो सही, जाते जाते बात तो बताते जाइए। हाँ जी, पूछिए। आप रखती कहाँ हैं? क्या कहाँ रखती है? अरे वही। क्या वही? अरे वही जो आपके पास जरूरत से ज्यादा है, उसे कहीं तो रखती होगी ना संभाल कर, या फिर उसको साथ में लेकर चलती है, बताओ। क्या मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय? अजी, आपकी अकल। कितनी हंसी आ रही है अम्मा को। देखो देखो, अकलमंद भी आपसे यही सवाल पूछ रही है पंडित रामा कृष्णा। अच्छा उपहास करते हैं। मैं देख कर आती हूँ।
आता हूँ कि भोजन बनाया नहीं। अरे शारदा शीघ्र करो, मुल्ला नसरुद्दीन महोदय को भूख लग रही है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे लगता है ये मुल्ला नसरुद्दीन महोदय किसी विशेष कारण से हमारे घर पर आए हैं, इसलिए इन्हें शीघ्र भोजन कराकर हम विदा कर देंगे। हाँ तब तक तुम उनसे कुछ अधिक बात मत करना, ठीक है? हम मुल्ला महोदय से बात नहीं करते, ये तो अम्मा ही है जो उन्हें देखकर उत्साहित हो जाती है। आप अम्मा को कहिए कि वो उनसे अधिक बातें ना करे, हमसे नहीं। ओ, यदि तुम ही नहीं बोलोगी तो अम्मा कहाँ से बोलेंगी? अम्मा कुछ भी संकेत करें, तुम चुप रहना जब तक मुल्ला नसरुद्दीन महोदय इस घर में है। उचित। क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के पश्चात राजमहल के आसपास भी दिखे तो कार्यक्रम में ढलवा देंगे। मैं तो छोटी रानी के कहने पर यहाँ आया था, क्षमा कर दीजिए। उठाइए ये सब और निकल जाइए। जी महाराज। शीघ्र। जी महाराज। महारानी चिन्ना देवी, ये मुझे महाराज पर बहुत जचेंगी, आप समझाइए ना महाराज को। महारानी तिरुमलम्बा, आपको हमारी मूछो को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पंडित रामकृष्ण ने आपसे पूर्व भी मुल्ला नसरुद्दीन महोदय की पहले को सुलझाया हुआ है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी वो सुलझा देंगे। परंतु महाराज, इस बार पहेली अत्यंत कठिन है, कहीं पंडित रामकृष्णा मुल्ला नसरुद्दीन महोदय को त्रिदेव के दर्शन नहीं करा पाए तो? महाराज सत्य कह रही है महारानी तिरुमलम्बा, इस बार की पहेली अत्यंत ही कठिन है। हे ईश्वर, कल प्रजा द्वारा कुएं में दूध डलवा कर मुल्ला नसरुद्दीन महोदय को गलत सिद्ध कर देना, ताकि उनकी पहेलियों से मुक्ति मिल जाए, अन्यथा ग्रहण करें। हाँ शुक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो खाइए खाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जीते रहो आप लोग, वाह बहुत लजीज खाने। जब हम वापस बगदाद चली जाएगी तो आपके हाथों के बनाए हुए लजीज खाने की बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी। बेहतरीन, उम्दा, स्वाद से लबालब लबालब लबा चश्मे बद्दू। अरे दूर जाने नहीं कह रहे हैं, चश्मे बद्दू अर्थात किसी की नजर ना लगे, क्या तुम लोग दूर आ गए? चल। हाँ पंडित रामकृष्णा। जी मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। हम तुम्हारी खातिर रानी से बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। सोच रही है तुम्हारी पहेली का हल करने का सुराग दे दे। हा? तुम्हें थोड़ा आसानी हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, बड़ी कृपा होगी आपकी, दीजिए ना। क्या बोल रही है? अरे बोलो ना, क्या बोल रही है? क्यों बोले, आपने तो मना किया था। अरे अब मैं ही बोल रहा हूँ, बताओ ना क्या बोल रही है। अम्मा कह रही है मुल्ला महोदय इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा रामा अत्यधिक बुद्धिमान है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कठिन से कठिन समस्याओं से जूझना उसका प्रतिदिन का कार्य है। और सलाह देने के लिए हम दोनों तो है ही। नहीं नहीं नहीं, ये दोनों उपहास कर रही है ना अम्मा। ठीक है अम्मा, जब आप कह दिए तो हम ऐसा जरूरत नहीं करेगी। उचित है मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, आपका भोजन तो हो ही गया, अब कृपया अपने सराय जाकर विश्राम कर लीजिए।
आप ठीक कह रहे हैं पंडित रामकृष्णा, ठीक कह रहे हैं आप। अम्मा शारदा मोहतरमा, आपने हमारा बहुत अच्छा खातिरदारी किया, बहुत अच्छा खातिरदारी किया। अब जाते जाते आपको कोई तोहफा देने को जी करता है, मन करता है, पर हम कह रहे सूफी बलंग फकीर, हमारे पास पहलों के सिवा आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप बोलेगी तो दे देगी आपको। आप बोलो दे दूं एक पहली, क्या कहती है बोलो। हमको यकीन था अपना नहीं बोलेगी। अरे नहीं 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 मुल्ला महोदय, अम्मा ना ही तो कह रही है, देखो ऐसे ऐसे हाथ हिला रही है, है? दोनों ना कह रही है। अरे बताओ ना अम्मा क्या कह रही है, बोलो बोलो बोलो। अम्मा कह रही है कि अब जो भी प्रेम से देंगे हम स्वीकार कर लेंगे। ये हुई बात, ये हुई बात, मरहबा मरहबा। ठीक है अम्मा, बिस्मिल्ला आपसे करती है। अरे करने दो ना, जो भी कर रहे हैं तुम तो शांत रहो ना। मुल्ला महोदय कठिन पहेली पूछेगा। अरे क्या कठिन पहेली पूछे, अम्मा रहने दो ना। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय देखिए, आपने जो पहेली मुझसे पूछी है ना वो मेरे पूरे परिवार के लिए पर्याप्त है, कृपया दूसरी पहेली ना पूछे। पंडित रामकृष्णा खुद तो तुम तोहफा ले ली और अब अम्मा और शारदा मोहतरमा को तोहफा लेने से मना कर रही है, गलत बिल्कुल गलत। अब दीजिए पहेली, जब रामा पहेली का उत्तर दे सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं तो उसकी अम्मा हूँ। हाँ मुल्ला महोदय, हमें भी हम तो इनकी पत्नी है ना। पंडित रामकृष्णा हमारा उल्लू तो सीधा हो गया। ओ तो इस कारण से मुल्ला नसरुद्दीन महोदय हमारे घर आए हैं। अच्छा अम्मा अभी ध्यान से सुनो, पहेली है कि अक्कल का खाना क्या है और अक्कल खाता क्या है। अब आपकी बारी मोहतरमा शारदा, आपको यह बताना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला हथियार क्या है। हाथी यार तबाही। शारदा को प्रश्न समझ में नहीं आया, अयल कहां से ढूंढेगी। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय आपने अम्मा से पहली पूछी, शारदा से पहली मत पूछिए, ये उसका हल ढूंढ ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं दे, क्यों नहीं दे, अम्मा देखिए पुणे में टोक रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, हथियार माने शस्त्र और तबाही माने विध्वंस। दुनिया का सबसे विध्वंसकारी शस्त्र कौन सा है, आप दोनों के पास कल तक का वक्त है बस। हम समझ गए, आप दोनों ने हमारा तोहफा तो कबूल कर लिया, आप बताइए तोहफे क्या लगाएंगे। अभी बताती हम क्या लगाएगी, हम लगाएगी ये सोने की ईंट। अगर आपने हमारी पहेली का सही जवाब दिया तो ये ईंट आपकी होगी, और अगर जवाब गलत हुआ तो परंतु हमारे पास तो कोई भी स्वर्ण ईंट नहीं है दांव पर लगाने के लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम बताती है, अगर आप दोनों सही जवाब नहीं दे पाई तो मोहतरमा आपको मौन व्रत धारण करना होगा। मौन व्रत, आपको इन मोहतरमा की आवाज बननी होगी, बोलो मंजूर है। ये कैसी विचित्र शर्त है मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। हाँ मुल्ला महोदय ये सत्य कह रहे हैं। मानते हैं कि शर्त अजीबोगरीब है, पर जरा सोचिए, आप दोनों जीत गई तो बदले में क्या मिलेगा, ये सोने की ईंट। घर बैठे ही अमीर होने का ये सुनहरा मौका दोबारा नहीं मिलेगी। हमें अपनी शर्त स्वीकार है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, हमें आपसे यही उम्मीद थी, यही उम्मीद थी।